जनहित के मुद्दे हो या जन समस्याओं के मुद्दे हो, हर मुद्दे को, हर समस्याओं को, जनता की हर परेशानियों को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाना आवाज न्यूज 24 का लक्ष्य रहा है। आपको बता दें, उनिया से बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, जहां आपको बता दें कि 14 सितंबर को आवाज न्यूज 24 के माध्यम से बिसलपुर नहर परियोजना के अंदर अवैध कनेक्शन को लेकर हमने बीड़ा उठाया था, प्रशासन पे हमने दबाव बनाया था। इस दबाव के चलते आज उनियारा के अंदर, ग्रामीणों के अंदर कुछ रोष तो है, लेकिन बिसलपुर नहर परियोजना में जो अवैध कनेक्शन किए गए थे, उन अवैध कनेक्शनों पे लेकर, राजकीय संपत्ति को नुकसान को लेकर वहां के प्रशासन द्वारा सुरक्षा और शांति व्यवस्थाएं बनाई गई, इसके चलते अवैध कनेक्शन जो किए गए थे वो सारे कनेक्शन हटाए गए। दिखाते हैं उनियारा से खास खबर। कस्बे में पलाई में बिसलपुर पेयजल परियोजना की पाइपलाइन से अवैध नल कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पेयजल सप्लाई को बाधित करने की मामले की शिकायत उनियारा थाने में दी गई। पलाई गांव में कई दिनों से पेयजल आपूर्ति के दौरान नलों में पानी नहीं आने, अंतिम छोर के पीएसपी पॉइंटों को लेकर पानी नहीं जाने पर ग्रामीणों और महिलाओं के उपखंड अधिकारी और बिसलपुर पेयजल परियोजना के अधिकारियों से शिकायत की। 14 सितंबर को आवाज न्यूज चैनल द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया था। प्रशासन पर दबाव बनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन ने पलाई में पहुंचकर अवैध नल कनेक्शन को हटवाने की कार्रवाई शुरू की, जिससे ग्रामीणों ने काफी विरोध किया। परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों की एक नहीं सुनते अवैध नल कनेक्शनों को विरोध के बीच ही हटाने की कार्रवाई जारी करते हुए पुलिस ने अवैध नल कनेक्शन हटाते समय शांति व सुरक्षा व्यवस्थाएं संभाली। इस दौरान अभियंता अंकुर मीणा, सीताराम यादव, जगदीश चौधरी, सुपरवाइजर जीतू कुमार, जितेंद्र उनियारा थाने से हेडक्वार्टर, गिरिराज प्रसाद समाजसेवी, शोजीलाल धाकड़ परियोजना के कर्मचारी ग्रामीण मौजूद थे।